डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी आई एजुहब बानसूर ऑनलाइन क्लासेज। पिछली कुछ क्लासों में हमने डिस्कस किया था जो लेंथ होती है या जो लार्ज डिस्टेंस होती है, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की कुछ मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था पैरेलेक्स मेथड, पैरेलेक्स मेथड की हेल्प से हम लार्ज डिस्टेंस लाइक डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ या फिर डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फॉर डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ या फिर किसी भी स्टार की जो डिस्टेंस है हम अर्थ से मेजर करना हमने सीखा था। साथ ही में इसी पैरेलेक्स मेथड से हमने ये भी जाना था कि जो डायमीटर होता है किसी भी प्लेनेट का या फिर मून का, वो भी हम इस मेथड से इजीली कैलकुलेट कर लेते थे। और उसके बाद अपना मेथड था, थर्ड मेथड जो था वो था रिफ्लेक्टिंग मेथड था, जिसकी हेल्प से हम किसी भी माउंटेन वगैरह की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते थे। तो ये हमने तीनों डिस्कस कर लिए थे। आज हम उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले अपने को कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है। देखो क्या क्या है। यूनिट ऑफ एंगल, जो एंगल होता है उसका ऐसा यूनिट होता था रेडियन, ऐसा यूनिट होता है एंगल का रेडियन। ऐसी एंगल की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट और भी हैं, जैसे आर्क मिनट। आर्क मिनट का मतलब होता है, देखो आर्क मिनट को हम ऐसे लिखते हैं वन आर्क मिनट, तो वन उसके ऊपर एक डैश लगा लेते हैं तो बन जाता है आर्क मिनट। वन आर्क मिनट का मीनिंग होता है 1/60 degree, मतलब जो 1 degree होता है उसका 60 part अगर हम कर दें तो वो बन जाता है 1 arc minute। ओके, उसके बाद एक और इसका यूनिट होता है आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड को हम लिखते हैं 2 dash लगा देंगे 1 के ऊपर तो ये बन जाता है आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड का मीनिंग होता है 1/3600 degree। क्लियर है? तो ये दोनों अपने को काम में आएंगे न्यूमेरिकल में। उसके बाद देखना 1 degree का मीनिंग होता है, तो वही अपने को पता है 180 degree मतलब होता है पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 degree इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है? ये भी अपने को ध्यान रखना है। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री की जगह हम पुट कर सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है? तो ये तीनों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। साथ ही यहाँ से आप देख सकते हो 1 degree को हम लिख सकते हैं, देखो 60 को इधर ले आओ तो 1 degree इक्वल टू हो जाएगा 60 arc minute। ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि 1 degree जो होता है वो इक्वल होता है 60 arc minute के। क्लियर है? अब हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 diametrically अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाई 2 directions ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 degree 44 minute। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट 1.276 × 10⁻⁷ meter, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ का जो डायमीटर है सपोज ये डायमीटर है अर्थ का, इस डायमीटर पे दोनों अपोजिट साइड 2 point है ए और बी। इन दोनों पॉइंटों से हम मून को ऑब्जर्व करते हैं, सपोज दैट दिस इज मून। तो यहाँ से जब मून को हम ऑब्जर्व करेंगे लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, और यहां से ऑब्जर्व करेंगे लाइन ऑफ साइट ये बनेगी। तो ये जो एंगल बनता है मून पर, ये क्वेश्चन अपने को गिवन है थीटा, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 1 degree 44 minute। तो देखो गिवन क्या है अपने को, थीटा इक्वल्स टू 1 degree 44 minute। अब इस एंगल को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 degree का मतलब होता है, 1 degree मतलब होता है 60 arc minute। तो 1 degree हो जाएगा 60 arc minute, और 54 arc minute
ये हो गई, तो 60 और 54 ये हो जाता है 104 आर्क मिनट। क्लियर है? अब इस आर्क मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 1 आर्क मिनट का मतलब होता है 1/60 डिग्री। तो आर्क मिनट की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/60, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इस डिग्री की जगह हम पुट कर देंगे, देखो 114 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे पाई अपॉन 180 रेडियन, ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये निकला गया अपना थीटा। उसके बाद अपने को गिवन है कि जो अर्थ का डायमीटर है ये, सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज बी, तो बी की वैल्यू अपने को गिवन है 1.276 इनटू 10 टू पावर 7 मीटर, 1.276 इनटू 10 टू पावर 7 मीटर। क्लियर है? अपने को अर्थ से मून की ये जो डिस्टेंस है एस, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। पैरेलेक्स मेथड में हमने देखा था इस एस का जो फॉर्मूला आता है, ये आता है एस, अपने को कैलकुलेट करना है। तो एस का फॉर्मूला आता था बी अपॉन थीटा, वेयर बी इज दिस डिस्टेंस एंड थीटा इज दिस एंगल। क्लियर है? अब बी और थीटा दोनों की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू पुट करते हैं इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा। तो देखो दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, बी की वैल्यू ये है 1.276 इनटू 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे 114 अपॉन 60 इनटू पाई अपॉन 180। इसको जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये आता है, तो ये आता है अपना 3.84 इनटू 10 टू पावर 8 मीटर। क्लियर है? तो डिस्टेंस निकल कर आ जाती है कितनी, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1924 आर्क सेकेंड, द डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इनटू 10 टू पावर 11 मीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सन है, सपोज दैट दिस इज डायमीटर ऑफ सन वाली।
है 1.496 × 10⁻¹⁰ मीटर। क्वेश्चन में अपने को डायमीटर ऑप्शन पूछा गया है, ये वाला केवी, तो केवी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो पैरेलेक्स मेथड में हमने सीखा था कि जो डायमीटर होता है एबी, ये होता था अल्फा इनटू एस, ये एंगल और ये डिस्टेंस। तो दोनों ही वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है। देखो अल्फा की वैल्यू ये है और एस की वैल्यू ये है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1.496 × 10⁻¹⁰। इसको पाई की वैल्यू आप पुट करना 3.14। इसको जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो निकल कर आती है 1.39 × 10⁻¹⁹ मीटर। तो ये अपना आंसर हो